हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार लौकी चना दाल मसाला। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसे बनाना, और इसे फ्रेंड्स हम इंस्टेंट प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसे हम कैसे बनाएं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ली है एक बॉल चने की दाल। तो ये जो दाल है फ्रेंड्स मैं चार व्यक्तियों के लिए बना रही हूँ। और सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस दाल को 2 से 3 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें 1 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे। कवर कर लेंगे और तकरीबन 30 मिनट फ्रेंड्स हम इसे भीगने देंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली है, और 3 छोटे टुकड़े मैंने ये अदरक के लिए हैं, और इसके साथ ही साथ हम ले लेंगे 2 हरी मिर्ची। तो इन तीनों का फ्रेंड्स हमें पेस्ट तैयार करना है, इसे दरदरा पीस लेना है। और साथ साथ ही फ्रेंड्स लौकी हमें चाहिएगी, तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब लौकी ली है। और लौकी को फ्रेंड्स पहले अच्छे से वॉश करके हम इस तरह से मीडियम साइज़ में लौकी को कट कर लेंगे। बहुत बारीक आप कट ना करें, थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखें। और अभी फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ कुकर ले लिया है, और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। तो बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। और तेल को बिल्कुल धीमी आंच पे गरम होने देंगे, और इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 चम्मच जितना राई दाना, साथ ही साथ 1 तेज पत्ता। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 साबुत लाल मिर्च ऐड की है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स आप प्याज ऐड करें, एकदम से बारीक कटा हुआ ऐड करें, तभी हमारा ये जो मसाला है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और प्याज को फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, और मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स आप प्याज को भूनें। और जैसे फ्रेंड्स प्याज थोड़ी सी भून जाती है, हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। और इसे भी फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन सभी चीज़ों को फ्रेंड्स हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हमें इसे भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए। और बीच बीच में फ्रेंड्स हम इसे चलाते भी रहेंगे। और ऑलमोस्ट फ्रेंड्स प्याज लहसुन वगैरह जो भी मसाले हैं बहुत अच्छे से भून गए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो जितना फ्रेंड्स आप मसाले को अच्छा पकाएंगे, उतनी ही सब्जी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अभी फ्रेंड्स इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। तो नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा। और यहाँ पे फ्रेंड्स 1/4 चम्मच जितना हींग ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसालों को। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें पानी ऐड करना है, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। या फिर आप पानी की जगह टमाटर ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो मसाला है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा बनना चाहिए हमारा, तभी हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और लगातार फ्रेंड्स हम इसे चलाते रहेंगे, और बिल्कुल धीमी आंच में फ्रेंड्स हम इस मसाले को हम भूनेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स आप ये मसाला बनाएं, तो एक बात का ध्यान रखना कि ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। और अभी फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मसाले का कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, और बहुत अच्छे से फ्रेंड्स ये मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे मसाले से तेल भी थोड़ा थोड़ा छूटने लग गया है। और अभी फ्रेंड्स इसे
अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे फ्रेंड्स आप मसाले को पकाएं। और अभी फ्रेंड्स इसमें ऐड कर लेंगे चने की दाल। तो ये देखिए 30 मिनट हो गए हैं, चने की दाल हमारी थोड़ी सी भीग भी गई है और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपको भिगाने की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा काफ़ी होता है। और चने की दाल ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच ही रखें आप इस समय। और चने की दाल को फ्रेंड्स मसाले के साथ हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, एक मिनट के करीब हम मसाले के साथ दाल को भूनेंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें ये जो लौकी हमने काट के रखी है वो भी ऐड कर लेंगे। और अभी फ्रेंड्स लौकी और चने की दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ फ्रेंड्स हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे और करीब एक मिनट हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। एक से दो मिनट आप भून लें और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे, अच्छे से एक बार मिला लेंगे और कंसिस्टेंसी भी एक बार चेक करेंगे कि हमें और कितना पानी इसमें ऐड करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स एक चौथाई ग्लास जितना पानी और मैंने ऐड किया है। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस समय फ्रेंड्स हम ये सब्जी है वो टेस्ट कर लेंगे। तो अगर आपको नमक ऐड करना है या और भी कोई मसाले ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। और अभी फ्रेंड्स उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए सब्जी में उबाल आना भी शुरू हो गया है और जैसे ही फ्रेंड्स अच्छा उबाल आना शुरू हो जाए हम कुकर बंद कर लेंगे और 5 सीटी आने तक फ्रेंड्स हमें इसे पकाना है और मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स हम इसे पकने देंगे। और अभी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, कुकर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स चने की दाल और लौकी की सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनके तैयार हो गई है और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और अभी फ्रेंड्स हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चने की दाल कितनी सॉफ्ट हो गई है इसमें। और नॉर्मली फ्रेंड्स हम वैसे भी चने की दाल बनाते हैं तो 4 से 5 सीटी में दाल हमारी पक जाती है। तो आप इस तरह से इंस्टेंट एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है। और 1 से 2 मिनट के बाद फ्रेंड्स इस सब्जी का देखिए कलर भी चेंज हो गया है, ये एकदम से आपको रेड ग्रेवी वाली सब्जी लगेगी। तो फ्रेंड्स लौकी चना दाल मसाला की सब्जी हमारी बनके तैयार है और इसे फ्रेंड्स आप फुलका रोटी के साथ तो खा ही सकते हैं और अगर आप चाहें तो मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके साथ ये मक्के की रोटी बनाई है और इसमें आप लगाएं खूब सारा घी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए। धन्यवाद।